आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपी टेट पेपर में साइंस का कंटेंट पार्ट कैसे कवर करें। उसके लिए आपके पास होना जरूरी है कि एनसीईआरटी की बुक, आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहें तो हिंदी की बुक, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का बुक। क्योंकि मैं जो इसमें टॉपिक बता रही हूँ और उस लेसन और पेज नंबर जो बताने जा रही हूँ, वो तो दोनों मीडियम में सेम दिखे हुए हैं। सिर्फ आपके पास एनसीईआरटी की बुक कौन सी होनी चाहिए, आपके पास ईवीएस या साइंस की बुक होगी वह 3rd क्लास से 10th क्लास तक का बुक होना चाहिए, और ज्योग्राफी की जो बुक होगी वह आपको 6th क्लास से 11th क्लास तक का होना चाहिए। तो इस कंटेंट पार्ट में आपके पास जो पॉइंट हैं वह इस टाइप के दिए हुए हैं, जो टोटल 8 पॉइंट है उसके कुछ सब पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम जिसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, हमारा परिवार और मित्र, इसमें पशु पक्षी और मालवाहक दिए हुए हैं, वो आपको 4th क्लास की ईवीएस की बुक के चैप्टर नंबर 16 से पढ़नी है। पेड़ पौधे, इनका महत्व, ये सारे पेड़ पौधे कैसे हैं, कहाँ उगते हैं, किस प्रकार का दिया हुआ है, ये आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक संसाधन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3, या कहें तो आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूरा, तो आप 8th क्लास की ज्योग्राफी, बहुत छोटी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है खेल एवं कार्य, इसमें जो व्यायाम दिए हैं, खेल दिए हैं, ये आप किसी भी नेट से निकाल करके पढ़ सकते हैं कि कौन से व्यायाम है, और खेल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से राजकीय खेल क्या हैं, उस खेल में कितने लोग रहते हैं, ये सारे जनरल नॉलेज के कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। मेला और दिवस, मेला के लिए आप एमपी के मेले पढ़ सकते हैं, जितने प्रकार के मेले कुछ दिए हुए हैं बुक में, कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। और दिवस का मतलब ये दिया है कि आप जो सप्ताह में, दिन में, और दिवस वो जो आपके स्कूल से रिलेटेड हों, वो सारे दिवस, 15 अगस्त 26 जनवरी, ये महात्मा गांधी दिवस, ये सारे जो दिवस मनाए जाते हैं वो सारे दिवस किस डेट में मनाए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है। और विभिन्न काम और धंधे, ये विभिन्न प्रकार के कौन कौन से काम है, बढ़ई का काम हो गया, मोची का काम, ये आप नॉर्मल जानकारी इस पे दी गई हुई है। और इंडस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है तो आप 8th क्लास की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़िए, और 7th क्लास की ज्योग्राफी का बुक चैप्टर नंबर 9 और 10 पढ़िएगा। आपको आवास के बारे में पढ़ना है, जिसमें पशु पक्षी और मनुष्य के आवास के बारे में अच्छे से डिटेल में जो दिया गया है वो 6th क्लास की आप साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़िए, 9 नंबर का पढ़िए चैप्टर 9, और 7th क्लास की ज्योग्राफी का बुक चैप्टर नंबर 7 पढ़ लीजिए। और स्थानीय इमारत एवं सुरक्षा, इस नाम से ही आपको 5th क्लास की ईवीएस की 10th चैप्टर मिल जाएगा, आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब 4th पॉइंट दिया गया है, जिसमें हमारा भोजन और आदतें, इसको बहुत अच्छे डिटेल में, भोजन के क्या घटक हैं, इसके भोजन की कैसी सुरक्षा, इसमें जो लिखा हुआ है, इस भोजन से संबंधित पोषक क्या है, पोषक तत्व तो क्या है, ये सारी चीजें आपको 6th क्लास की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 2 को पूरा पढ़ लीजिए, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है। अब खाद्य संसाधनों की सुरक्षा जो लिखी हुई है, ये इस नाम का ही एक, इस चैप्टर के नाम पर ही एक लिखी हुई है, जिसमें 9th क्लास की साइंस का बुक आपको 15 चैप्टर पे इसी नाम का मिल जाएगा। 5th पॉइंट दिया गया है, जिसमें पानी और हवा प्रदूषण और इससे संक्रमित होने से क्या होता है, संक्रमित होने वाले, तो आपको ना इस पे स्वच्छ पानी और हवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें, जल चक्र, ये सब आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में 5th चैप्टर में मिल जाएगी, और जलवायु 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में 4th चैप्टर में मिल जाएगी। अब पानी के स्रोत कहाँ से हैं, नलकूप वगैरह, तालाब, नदी, या आप इन बुकों को पढ़ेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। और संक्रमित वायु और पानी से होने वाले रोग एवं उपचार और बचाव, इस ये 9th क्लास की साइंस की बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 पर ये अच्छे से दिया हुआ है। आगे कुछ पॉइंट,
ये हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण, ये आपको 8th क्लास की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 18 में मिल जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन ये आपको 6th क्लास का 16th चैप्टर में मिल जाएगा। भूकंप, बाढ़, सूखा और आपदा प्रबंधन, उसकी सुरक्षा, उसकी बचाव, जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में आपको इस 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में दी हुई है। बहुत छोटा बुक है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। संसाधनों का उचित दोहन, डीजल और पेट्रोलियम, ये सारा आपको 10th क्लास की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है, जिसमें से सिर्फ एक दो पन्ने का पीछे में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है 6th नंबर का, प्राकृतिक वस्तुएं और इसका उपज। प्राकृतिक वस्तुएं और ये उपज कहाँ से होती हैं? जो मिट्टी है, पानी, बीज और फसल, जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें मिट्टी, पानी, बीज और फसल का प्रबंधन, इसका इनका जो संबंध दिया गया है, ये बहुत अच्छे से आपको 8th क्लास की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। जैविक और रासायनिक खाद क्या होते हैं, इसमें अंतर क्या है, आपको 8th क्लास की साइंस की चैप्टर नंबर 1 के बुक में पेज नंबर 7 में बहुत अच्छे से दिया गया है। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, कैसे उगते हैं, किस टाइप के हैं, ये सारा डिटेल अच्छे से आपको 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में चैप्टर नंबर 4 पर मिलेगा। और ये फसल उत्पादन के उपकरण, ये सारे आपको ये 8th क्लास के साइंस के बुक में चैप्टर 1 पे ही मिल जाएगा। अगला पॉइंट है 7th नंबर का, मानव निर्मित संसाधन, इसमें जो वनों की कटाई है ये सारा कुछ, और ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सारा आपको 9th क्लास की साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 14 पर मिल जाएगा। और जीवाश्म ईंधन, ये सब कुछ इसमें 9th क्लास की साइंस की बुक में मिलेगा। और आपदा प्रबंधन का मैंने बताया था कि 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 17, आप ज्योग्राफी की बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें सबका प्रबंधन से रिलेटेड सारा कुछ दिया गया है। अब लास्ट टॉपिक है वो अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें आपको इसमें कुछ अनुभव दिए गए हुए हैं, जिसमें कल्पना चावला के बारे में बताया गया, जो इसके लिए ना आप ये 4th क्लास की ईवीएस की चैप्टर नंबर 11 का आप पढ़ सकते हैं। और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए आप 8th क्लास की साइंस की बुक 17 चैप्टर और ये 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ सकते हैं। ये जो बुक दी हुई है, इन बुकों में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, आप आसानी से अपना सिलेबस निकाल के और इनमें ढूंढ करके भी पढ़ सकते हैं। और मैंने तो सब कुछ बता ही दिया है कि कौन से नंबर में लिखा हुआ है, तो आप इतना पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। आप साइंस की बुक और ईवीएस की बुक और ये ज्योग्राफी की बुक जरूर रखें, इसमें सारा कंटेंट पार्ट आपका कवर हो जाएगा।